चंबा टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। एमपी के सागर जिले में दलित को जिंदा जलाने के मामले में शुक्रवार की सुबह मृतक कश्यप सागर पहुंचा और पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच धन प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में भाजपा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विधायक के साथ अहरवार समाज के लोग मौजूद रहे। शव यात्रा के शमशान घाट गेट पर पहुंचते ही पुलिस और अंतिम यात्रा में शामिल भाजपा विधायक और लोगों के बीच हंगामा हो गया, जिसमें पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और दोनों के बीच हल्की झूमा झटकी भी हुई। बाद में गेट खोलने पर मामला शांत हुआ और फिर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पीड़ित के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद और अलग से मकान देने की मांग भी स्वीकृत कर ली गई है। अहरवार महापंचायत के अध्यक्ष अनिल अहरवार ने आपत्ति जताते हुए नेताओं पर दलित की शव यात्रा पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। यहाँ के जो विधायक या सांसद या जो नेता है, किसी भी दल के हो, उनको केवल अहरवार समाज मिलती है, दलित मिलते हैं। दलितों पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? एक धन प्रसाद अहरवार के शव को लेकर राजनीति करते अच्छी बात नहीं है। अहरवार महापंचायत सब प्रतिनिधियों का विरोध करेगी। राजनीति है, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि धन प्रसाद के साथ इलाज में लापरवाही बरती गई है। सही समय पर इलाज नहीं मिल सका है उसे। हम लोगों ने उसके परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। यह सरकार का दलित विरोधी चेहरा है। लोगों के लिए लकड़ी देने के लिए रोका गया, ताले लगा दिए। जब हम लोगों ने आकर धक्का मुक्की की तब अंदर जाने को मिला। 60-70% जला हुआ व्यक्ति, उसको अगर तुरंत स्तर की चिकित्सीय सुविधा मिल जाती तो मैं समझता हूँ बेहतर होता, लेकिन उदासीनता बढ़ती गई और अंत में आज जब उसकी मौत हो गई, मौत होने के बाद भी जो कानूनन जो कुछ मिल सकता है वो तो मिलेगा ही, उसमें घोषणा करने की जरूरत नहीं। हम लोग चाहते थे, हमारे प्रदीप जी, हम लोग चाह रहे थे और परिवार के लोग चाह रहे थे कि कम से कम 25 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि नौजवान व्यक्ति, उसकी 6 माह पहले शादी हुई थी। हम लोग जब अंदर आ रहे थे, आज तक के इतिहास में, आज तक के मेरे जीवन काल में ऐसी घटना नहीं हुई कि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए पंच लकड़ी देने के लिए रोक दिया गया, यहाँ ताले लगा दिए, गेट बंद कर दिया गया। हम और माननीय विधायक जी जब यहाँ आए तब लोगों को अंदर आने दिया, वो भी धक्का मुक्की करके। मैं समझता हूँ प्रशासन का, पुलिस का ये जो रवैया है, ये जो चेहरा है, ये चेहरा बहुत ही गंदा है, दलित विरोधी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। आज शव को छीनने की कोशिश की गई। हमने प्रशासन से कहा है कि आपके पास वीडियो है, आप देखिए और स्वयं संज्ञान लीजिए और सभी पर मामला दर्ज करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे मित्र हैं, इनको लाशों पर राजनीति करने की इनकी आदत है और आज ही इन्होंने इसका स्पष्ट प्रमाण दिया जो आप सबने देखा हुआ है। मैं बनी विनम्रता से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे टीकमगढ़ में राहुल लोधी बीजेपी के विधायक हैं, उनने 3 दलितों को रौंद के मार डाला, इनकी उस समय इतना हौसला दलितों के प्रति नहीं दिखा, उनकी हमदर्दी कहाँ गई? उधर तीन दलितों को वहाँ रौंद देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तब ना तो गोपाल भार्गव के पेट में दर्द होता है, ना शैलेंद्र जैन के, ना प्रदीप लारिया के, ना शिवराज सिंह के, ना बीजेपी के। और आज जब यहाँ पे हमारे धन प्रसाद अहरवार की हत्या होती तो उसकी लाश छीनने का काम करवाते हैं, इस तरीके से हमारी पवित्र आत्मा को अपवित्र करने का काम करते हैं, ये घोर अन्याय है। हमने प्रशासन से सीधे तौर पर कहा है कि आज सारे की सारे फुटेज आपके पास है, आप देख लीजिए और स्वयं संज्ञान लीजिए और उन पर मामले रजिस्टर्ड करिए, वरना भगतने के लिए तैयार रहिए। भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है, हम लोग पीड़ित को न्याय दिलाने यह विषय नहीं उठाते तो इतनी बात नहीं होती और ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम लोग ये विषय नहीं उठाते,
हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी विधानसभा में नहीं उठाते, हम लोग डीजीपी और गृह मंत्री जी से नहीं मिलते, हमारे ये अनुसूचित जाति आयोग केंद्र का नहीं आता, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात भी नहीं होती, क्योंकि ये हाथ पर हाथ धरे लोग बैठे थे। वहीं एडिशनल एसपी राजेश व्यास का कहना है कि चौकीदार द्वारा शमशान घाट का गेट बंद करने को लेकर कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी। परिवार के लोगों की सभी मांगे मान ली गई हैं, जिसमें धन प्रसाद अहरवार के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ और अलग से मकान देने की मांग स्वीकृत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि धनराज अहरवार नाम के व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई थी, इसकी शव यात्रा आज उसके घर से निकली और उसमें पुलिस के पूरे माकूल इंतजाम किए गए थे और पुलिस के इसमें QRF की भी प्लाटून लगी थी और जो भी प्रमुख चौराहा थे वहाँ पर भी बल लगाया गया था और अभी जो है वो शव यात्रा उसकी शमशान घाट पर पहुँच चुकी है और पूरी शांति बनी हुई है और किसी तरीके की समस्या नहीं। ये अंदर शमशान घाट में प्रवेश को लेकर कुछ आपत्ति कुछ वो यहाँ पर जो चौकीदार थे उन्होंने जब यात्रा आई तो उस समय दरवाज़ा बंद कर दिया है, इस बात को लेकर कुछ लोगों ने बोला था कि हमें भी आना है, उसके बाद खुलवा दिया, शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर ये घर पे जब इनकी डेड बॉडी पहुंची थी तो परिजन ने कुछ मांग भी रखी थी, उस संबंध में क्या जानते? जो भी मांगे थी वो नियमों के अनुसार से सब मांगे मान ली गई है। जैसा कि मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि जो मृतक है उसके परिवारजन में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरी बात राहत राशि की है तो वो 8,25,000 रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं, उसमें से करीब 4,12,000 रुपये जो कि 50% है वो उसके अकाउंट पे आ चुके हैं। इसके अलावा उसकी एक मांग थी कि उनको रहने के लिए एक मकान दिया जाए, तो वो भी मकान उनके लिए दिया जाए। बता दें 14 जनवरी को धन प्रसाद अहरवार को कुछ लोगों ने घर में घुसकर जिंदा जला दिया था, जिसकी 23 जनवरी को दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। धन प्रसाद को जलाने को लेकर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। दिगंबर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं, सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। पता वोडाफोन स्टोर, पाटीदार भवन, कच्छ कड़वा के बाजू में, मेन रोड, भगवानगंज, सागर। फोन नंबर है 9931825655, 8821844243।